चलो भाई और बहनों, आज एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ और आप भी सोचेंगे कि क्या एक्चुअली रिवील करने वाले। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आसिम और सिद्धार्थ में से जीतेगा कौन और क्यों, ये सब्जेक्ट है आज का। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको ये व्यू पॉइंट देखना है, आपको ये व्यू पॉइंट सुनना भी है और आप चाहता है कि मेरा ओपिनियन क्या होगा, मगर मेरा ओपिनियन अनबायस्ड होगा। ये भाई, ये जो बालों की हालत देखते हो, सब ये थे कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो पता नहीं कौन कितना ट्रॉल करके मारेगा मुझे। तो पहले ही मैंने बालों की हालत, किसी ने मेरे बाल खींचे ये हो तो ये मेरा हाल हो गया जब मैंने किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया। तो एनीवे, गलत बोलने की बात नहीं है, बात यह है कि आप लोग सब समझे कि ये गेम है और मजे की गेम है और इस गेम में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये एक्चुअली तो उन पर है, हमारे पर तो नहीं है। हम जो बोलते हैं उससे थोड़ी कुछ फर्क पड़ने वाला है ना, हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वोट्स, क्योंकि अभी तक तो सबने अपने अपने बना लिए हैं जो उनके फेवरेट्स हैं और वो उन्हीं के साथ ही रहेंगे, वो एंड में चेंज नहीं होने वाला कोई भी। और मैं तो सबके साथ हूं, तो मैंने पहले सी बात बोल दी है। सो लेट्स टॉक अबाउट आसिम। आसिम का जर्नी ये 17 हफ्तों में क्या क्या हुआ आसिम के साथ, लेट अस स्टार्ट। कि जब वो आए और अब घर के अंदर रहे और बिगनिंग से ही, पहले दिन से ही एक चीज का तो पहला हमें पता चल गया था कि ये किसी बात पे चुप रहने वालों में से नहीं है। अगर किसी ने उसको कुछ बोला और कुछ किया तो वो उस पर चढ़ जाएगा। ये मैंने तभी देख लिया था जब हम लोग बैठे थे पहले दिन पे, और जब पीछे पारस से बोल दिया था ही फेल टू रिकॉग्नाइज हिम, बोलते तू क्यों मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तू तो जानता है मेरे को अच्छी तरह, ये तो खाली तेरी एक्टिंग है। अभी से उसने बता दिया कि ये बोला डोंट प्ले फूल विद मी। एनीवे, ये झगड़ा थोड़ा देर एक ही दिन में घर के अंदर ही, जब से जम्मू की बात की, अपने जगह की बात की और कहा कि मैं जम्मू का हूं, और ये तो ये वो पारस से उस पर ऑब्जेक्शन ले कि तू बार बार जम्मू का इक्वेशन क्यों ढाल रहा है इस घर के अंदर, जैसे कि इट इज लाइक सेइंग दैट आई एम फ्रॉम दिस टेरिटरी एंड दैट्स व्हाई आई एम बेटर देन एनीबॉडी एल्स, या जो भी उनका झगड़ा हुआ उस बात पे, वो एक्चुअली कोई बेस नहीं था झगड़ा का। दोनों वो झगड़ना चाहता था पारस से उस टाइम, अपना एस्टेब्लिश करना चाहता था अपना स्टेट, और उस वक्त आसिम थोड़ा नया था, उसने कभी कोई गेम में एंटर नहीं किया था और उसने उस वक्त को चुपचाप लेके बैठ के ले लिया। फिर भी उसने बातें तो सुना दी पारस को, और उस बीच में उसे रैप करके सुनाया था जो बेहतरीन था, और उसने अपने दिल की जो भी हर्ट्स है एंगुशेज है उस वक्त उसने पहले एस्टेब्लिश कर लिया था कि क्या है वो लड़का। और सही भी बात है, मैं उसको ऐसे देखते रह गया क्योंकि मुझे पता था कि अब इसके पहले दिन से मुझे पता था, जब उसे सलमान को हाजिर जवाबी दी थी कि बंबई में जो रह सकता है बंबई को फेस कर सकता है, वो ये शो क्या है उसके लिए, तो बहुत कंफर्टेबल चीज है उसके लिए। तो वो बात सुन के मैं बहुत इंप्रेस हो गया क्योंकि उसकी स्टडी कमाल की थी। और फिर मुझे उससे दोस्ती बनाने का मौका मिला और हम दोनों बहुत करीब आ गए क्योंकि वो मुझे बहुत ट्रस्ट करने लग गया और मुझे भी उसके साथ बहुत मजा आता था, एक्सरसाइज वो करता था। अब उसका जर्नी ऐसा था, उसने अपना टाइम डिवाइड कर लिया था, उसको बड़ी फिक्र थी कि उसने जो इतनी मेहनत से वो बॉडी बनाई है वो 3 महीने में खराब ना हो जाए, तो वो डट के उस पर 2-3 घंटे एवरी डे, दुनिया इधर से उधर हो जाए कुछ भी हो जाए, मगर आसिम अपनी पूरी बॉडी बिल्डिंग का जो सिक्वेंस है वो करता ही रहता था। इस दौरान हमारी दोस्ती और बढ़ती गई और हम लोग साथ में बैठ के वो कुछ टास्क, जो टास्क हमने पहला टास्क जो उसके साथ हुआ वो अनफॉर्चुनेटली उस पर वो उड़ गया था, उसको उस वक्त रियलाइज हुआ कि ये टास्क करने में कितनी बड़ी बात होती है और फेलियर कैसा होता, पर वो उड़ गया था गुस्से में क्योंकि उसकी बॉडी पे जलन हुई थी। मगर जब एक टास्क हुआ जिसमें मैं अल्टीमेटली बाहर आया था, वो टास्क था हाथ पकड़ना, उस वक्त उसने अपना स्ट्रेंथ दिखाया और बताया कि वो क्या है। इनने लाख कोशिश कर ली मगर हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा, और इसका मैं उसको भी श्रेय बहुत देता हूं क्योंकि उसने दो चिल्ला रहा था, उसके बॉडी जलन कर रही थी जो भी था, और मुझे उसका दर्द देख के बहुत बुरा लगा था, मगर मुझे पता था कि ये छोड़ेगा नहीं हाथ और ना मैंने उसका हाथ छोड़ा। ये इसका जर्नी यहां तक था। थोड़ा बहुत उसने रोमांसेस करना शुरू किए थे, यानी कि किसी से ऐसे बातचीत एक्सेट्रा। उस बीच में उसने मुझे एक बार बताया था कि मुझे रश्मि बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं रश्मि को अप्रोच भी किया था, तो वहां कोई बात नहीं बनी थी, रश्मि ने तो बोला नो आई एम नॉट इन दिस एंड दैट करके मामला वहां खत्म हो गया था। उसके बाद मैं तो घर के बाहर निकल गया और आगे जो हुआ है वो तो आप लोग ने, मैं कहता हूं, सोचा नहीं होगा कि उसमें क्या उसपे तब्दीलियां आई थी। एक तो उसने पूरा कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड रख दिया क्योंकि
सब लोग चाहते थे कि एक बार जब हम लोग स्प्लिट हो गए यानी कि मैं बाहर आ गया तो ये दोनों को स्प्लिट कराना चाहते थे, उसमें कामयाब भी हुए थे क्योंकि सिद्धार्थ और उसकी बड़ी गहरी दोस्ती थी और वो सिद्धार्थ को बहुत सुनता था। मगर जब उसको पता चला कि ये लोग सब मुझे इसका चमचा बोल रहे, ये इसको गवारा नहीं था, ये तो मानता ही नहीं था कि मैं किसी का, मैं खुद का खुद उसके अंदर वो था सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसके अंदर ये था कि मैं हूं, दैट इज एटीट्यूड, मैं किसी के साथ जुड़ के कुछ नहीं करूंगा। और उसने ये बात पहली फाइट में जो थी वो सिद्धार्थ को बता दी कि मैं बिल्कुल आपके अंडर नहीं हूं कि जो बोलते जाओ मैं सुनता जाऊं, नो। अब वो कन्फ्रंटेशन बढ़ती गई और वो कन्फ्रंटेशन का जो एटीट्यूड है, अब उन्होंने सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट अगर शो में हुआ है वो ये हुआ है, दैट इज सिद्धार्थ और आसिम का कन्फ्रंटेशन। ये जो कन्फ्रंटेशन था वो लगता बैटल था, ऐसा लगता था टीवी फट जाएंगे, इट वॉज लाइक द वर्ल्ड वॉर, ऐसा एटीट्यूड हो गया था। जब ये दोनों बात करते थे और कैमरा के क्लोजअप पे आते तो अच्छे अच्छे एक्टर्स, अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स इनको देखने लग गए कि अगर ये इन लोग इस तरह से एक दूसरे को डायलॉग बोल सकते हैं तो यार अगर कोई ऐसी कन्फ्रंटेशनल फिल्म बनाई गई तो हंगामा कर देंगे। और सही भी बात है, आई बेट कि मेनी फिल्म मेकर्स आर वेटिंग कि दोनों जब बाहर आएंगे तो क्या होगा। एनीवे फिलहाल तो हम सिर्फ आसिम की बात कर रहे हैं, तो आसिम का जो कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड था वो बहुत था और उसने जम के लड़ा अपने लिए, और अकेला होने की वजह से उसकी जो लड़ाई थी बड़ी स्ट्रांग थी क्योंकि उसको फिकर ही नहीं थी जो होगा देखा जाएगा। मगर इस वक्त ये उसको एक बात पता थी कि मैं किसी को पर हाथ नहीं उठाऊंगा, तो वो हाथ अपने दोनों पीछे ऐसे बांध कर ऐसे फेस लड़ता था, ऐसे ऐसे लड़ता था क्योंकि उसको मालूम था कि हाथ उठाना इज अ बिग 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 क्राइम इन द हाउस ऑफ बिग बॉस, और उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना था और उसने हर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट किया। उस पीरियड में उसकी दोस्ती जिसमें उसको मायरा का भाई बनाने का ये हुआ था, तो मायरा के साथ वो काफी वक्त दोनों ने नोक झोंक की और मैंने भी बड़ा उनको सताया था कि यार भाई बहन का चक्कर छोड़ दो, तुम दोनों बड़े अच्छे लगते हो साथ में, और गोरे चिट्टे खूबसूरत थे दोनों, यंग थे और यंग लोगों को आइडलियस करते थे। ये बात भी मैंने उसको पहली बार बोली थी कि भाई कबीज उतारना, पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि यंग लड़का कितनी मेहनत करके अपनी बॉडी और फिजिक बना सकता है, एंड दिस विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर द यंगर जनरेशन कि आप भी इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑपोजिशन अगर आप स्ट्रिक्ट अपने डाइट को और अपनी मेहनत करें तो आप अपनी फिजिक को अच्छी बना सकते हैं। तो ये बातें उसको, मॉडलिंग के रोल में उसने बड़े बड़े काम किए थे पहले, एंड ही इज अचीव्ड क्वाइट अ लॉट। अब बिग बॉस के घर से तो उसकी बहुत तरक्की और भी हो जाएगी। इस सफर के बीच में उसको हिमांशी मिल गई और इस दौरान उसको पहली बार प्यार का एहसास हुआ है और उसे बेतहाशा प्यार हो गया, और उसके बाद झगड़ों के सिलसिले चलते रहे, पॉपुलैरिटी की बढ़ती गई और बेसिकली लोगों को ये लगने लगा कि जो झगड़े करता है ये कन्फ्रंटेशनल है मगर ये अपने राइट्स के लिए खड़ा रहता है घर में, कोई इसको दबोच ना ले, कोई ये मत समझे कि टेक इट फॉर ग्रांटेड, तो इसलिए वो इस तरह से लड़ता रहा था। एनीवे हिमांशी के आने से उसके लाइफ में एक लव का एक एंगल आया और वो इस लव पे बहुत बहुत कायम था। मगर हिमांशी तो कहीं और शादी करके जाने वाली थी घर, और उनके एंगेजमेंट हुई भी रखी थी, तो वो उनको कहती थी कि मुमकिन तो नहीं होगा, मगर पता नहीं क्या हुआ उन दोनों के बीच में कि उसने एक बात को एक्सेप्ट कर ली। एनीवे हिमांशी बाहर चली गई और एक दो हफ्ते के बाद जाने के बाद मैसेज आया आसिम को कि उनकी एंगेजमेंट टूट गई है और उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया है कि उनका लव आसिम है। अब आगे इनका सफर क्या होगा, आगे ये सफर होगा कि अगर आसिम अब जो घर में है, जो तीन हफ्ते बाकी है, हिमांशी आ गई और इन्होंने दोनों ने मिलकर एक अपना प्यार को बड़ी सीरियसली डिक्लेयर कर दिया और शायद एंगेजमेंट भी हो जाए, और एंगेजमेंट होने से पहले अगर आसिम हिमांशी को अपना पूरा स्टेटस बता दे कि मेरे साथ ऐसा है, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और हम दोनों मिलकर हमारी जिंदगी बना सकते हैं और मैं कोई अपने आप को प्रिंस ऑफ टू मच वेल्थ और रिचेस की बात नहीं करता, मैं हार्ड वर्किंग यंग मैन हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूं और हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी बनाएंगे। अगर ये बात करेंगे तो ऑडियंस के दिल में एक जगह बन जाएगी और दोनों मिलकर सीधा विनिंग पोस्ट पे आसिम होगा, क्योंकि हिमांशी तो उनको सपोर्ट करने गई है। सो आई सी आसिम वेरी मच देयर ऑन द विनिंग पोस्ट। अब चलो बात करते हैं थंडर की, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला। नाउ सिद्धार्थ शुक्ला
इज अ मैन हु इज अ थिंकर हु इज अ पावरफुल मैन. जैसे आप देखते हो ना वो मार्वल कॉमिक्स के हीरोज सुपरमैन बैटमैन और ये तो मिजर सिद्धार्थ मैन. दिस सिद्धार्थ मैन इज अ टेरिफिक इंडियन मैन. ये स्ट्रॉन्ग ब्रॉन हरकुलिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मगर साथ में एक दिमाग जो सोचते हो. जब वो उनकी एंट्री हुई थी वो चुपचाप रहने वाले थे और चुपचाप ही सबको ऑब्जर्व कर रहे थे और देख रहे थे कैलकुलेट कर रहे थे और अपनी गेम पूरी कैलकुलेशन से खेल रहे थे. इनकी खास बात ये है कि बिसाइड्स द एंगर दैट ही हैज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड जिससे वो प्लान करते रहते हैं अपनी मूव. ऐसे सुनते अपना दिमाग उन्होंने बना लिया हर चीज के लिए. जब वो एंटर हुए थे घर पे तो उन्होंने मुझे कहा था कि अबू मुझे ऐसा लगता था कोई यार कितना बड़ा बोर होगा ये आदमी और क्या है. फिर बाद में उसे कॉम्प्लीमेंट दी थी कि यार सच ए इंटरेस्टिंग एंड फन मैन क्योंकि हम उन्होंने खूब मस्ती की थी घर के अंदर. बट ही वॉज अ सीरियस पर्सन. एक तरह से उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा देखा है जिससे उनके रुकना दिमाग का रुख वैसा हो गया कि ही इज वेरी सीरियस. मैंने उसको अपनी पिक्चर के बारे में पूछा था बद्रीनाथ की दुल्हनिया में जो वो आई थिंक वो थी या कोई फिल्म थी यश करण जौहर की जिसमें उन्होंने काम किया था विद वरुण धवन एंड आलिया भट्ट विच वॉज अ गुड रोल ही सेज बट इट डिडंट टर्न आउट दैट गुड और ना कुछ उससे कुछ बात बनी. तो बट ही इज अ वेरी हैंडसम लुकिंग एंड हार्ड वर्किंग मैन. उनकी सीरियल्स बहुत फेमस थी और सबसे ज्यादा अगर बिगनिंग ऑफ द हाउस के अंदर वो जो उनका रिलेशनशिप रश्मि के साथ जो था उसके बारे में लोगों को बहुत बहुत इंटरेस्ट आया क्योंकि पहले तो इन्होंने पूरे स्क्रीन को आग लगाई थी अपने लव अफेयर्स के साथ. मगर सुनने में आता था कि बैक द ऑफ द कैमरा इन दोनों के बहुत झगड़े होते हैं. अब ये ऑफ द कैमरा के झगड़े अब रियल लाइफ में उनको देखने मिल गई ऑडियंस को और उन्हें कनेक्ट करने लग गए कि एक दूसरे से ये बिल्कुल बेताशा एक दूसरे का कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड है. तो पहले 5-7-10 हफ्ते तो इनके जो कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड थे वो दे धनाधन 5-7 हफ्ते 8 हफ्ते चलते गए. शायद बहुत टाइम तक चलते ही गए. ये 14वें हफ्ते के बाद आई थिंक थोड़ा रिलैक्स हुआ है मगर ये दोनों के जो सीन्स हैं वर्थ पिक्चराइजेशन. मगर हार्ड कोर प्रोफेशनल्स हैं दोनों और उसकी वजह से इंटरेस्टिंग बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया ऑडियंस को. इस बीच में सिद्धार्थ बीच में बीमार भी पड़ गए. उनको टाइफाइड हो गया था बिकॉज उनके डाइट और गिजा वैसी नहीं मिल रही थी और उसकी वजह से वो बीमार हो गए. इसके बाद घर में वापस आए तो और उनकी गिजा अच्छी हो गई. अच्छा लव के बात अगर आप करें सिद्धार्थ के बारे में तो लव इनसे कोसों दूर है क्योंकि वो लव के बारे में जानते ही नहीं और मानते ही नहीं. जानते नहीं ऐसा नहीं बोलूंगा, कुछ उनके एक्सपीरियंसेस लाइफ के ऐसे होंगे जिसमें वो बिल्कुल डिसिल्यूजन थे लव अफेयर से. तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लव एट ऑल. तो ऐसा महसूस होता था. मैंने कभी नहीं पूछा क्योंकि इट इज मुझे पता था अगर पूछूंगा तो घर में तो बताएंगे नहीं और वो अच्छा भी नहीं लगा किसी की प्राइवेट लाइफ के अंदर पर्सनल लाइफ के अंदर मुझे अंदर जाने के लिए. तो मैंने बिल्कुल उनसे बात नहीं की. उनका जर्नी आगे ये होता गया कि उनकी बैटल रश्मि से सॉरी शिफ्ट होकर आसिम पे आ गई और दिस वॉज द वॉर दैट द पिक्ड अप द शो फ्रॉम हियर टिल देयर बिकॉज पीपल वेयर शॉक्ड जिस एंगल से ये जो झगड़ते थे दो दोस्त. तो लोग देख के परेशान हो गए कि दो दोस्त इतने गहरे दोस्त ये इतने बड़े दुश्मन कैसे हो गए. और ये दुश्मनी इस तरह से थी कि मैं कहता हूं कि ऐसा लगता था जमीनें हिल रही हैं जब ये लड़ते थे. और ये इफेक्ट पूरी वर्ल्ड में जो लोगों देख रहे थे बिग बॉस सबको नजर आ था कि आज क्या हुआ, आज किस पे बात हो, आज किस बात पे झगड़ा हो गया, आज किस बात पे. और झगड़ने के पॉइंट्स हर पॉइंट पे उनका झगड़ा होता था और वो भी कन्फ्रंट करता था आसिम यहां तक के मार के बाहर निकल यहां तक बात आ गई थी. एनीवे ये झगड़ों का फायदा तो आपने सबने देखा होगा और ये चलता गया. इस बीच में शहनाज और सिद्धार्थ का एक लव ट्रैक शुरू हो गया. वो इनको चुलबुली लगती थी और पे खूब उन पे कूदती थी, हंसती थी, खेलती थी उनके साथ और उनको वो बहुत सोबर और मैच्योर लगते थे. इस वजह से धीरे धीरे उन्होंने वो जो पत्थर की दीवार है उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ा और उसमें उन्होंने एंट्री मार ली और सिद्धार्थ इनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो गए. और ये इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इतनी इंटरेस्टिंग हो गई ऑडियंसेस के लिए कि बिसाइड्स द एंगर के बाद बस ये देखना चाहते थे. तो इससे इन दोनों की पॉइंट्स बहुत आगे आ गई और सिद्धार्थ भी बहुत फ्रंट रनर हो गए शो के लिए और एज गुड एज अ विनर डिक्लेयर कर दिए गए एट वन पॉइंट.
मगर 4 वीक्स मतलब 4 हफ्ते मतलब 1.5 हफ्ते पहले इन दोनों का झगड़ा फिर यह हो गया कि सिद्धार्थ ने किसी बिहेवियर की वजह से समझा कि ये बस शायद मेरे से खिलवाड़ कर रही है और उनको अभी जिंदगी में खिलवाड़ की जरूरत नहीं थी, वो थक गए थे खिलवाड़, तो उन्होंने अपने दरवाजे फिर बंद कर दिए और उन्हें कह दिया कि मुझे इस रिलेशनशिप में जितना मैंने इन्वेस्ट किया था इमोशन, अब मैं इसके अंदर से बाहर निकलना चाहता हूं, तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी और मुझे जाने दो। ये ऐसे यहां तक अब उनकी कहानी बह गई। अब उनकी आगे की जर्नी क्या होगी इन 3 हफ्ते में, आगे की जर्नी इंटरेस्टिंग करने के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग करने के लिए दो इनके सोल्यूशन, दोनों वो कार्ड खेलेंगे। नंबर 1, रश्मि और सिद्धार्थ का पैचअप होगा एक लेवल पे, जहां वो खड़े रहकर दोनों बातें करेंगे और अपने जो डिफरेंसेस है सॉल्व करेंगे, और वो सॉल्व करके डेफिनेटली दिस वाज अ आइडिया विच रश्मि के पास भी होगा और सिद्धार्थ के पास भी होगा कि लास्ट 2 वीक्स में ये डिसॉल्व होगी एनिमिटी और फ्रेंडशिप में बनेगी एंड वी कैन सी बोथ ऑफ देम होल्डिंग हैंड्स और बिकमिंग वेरी डियर फ्रेंड्स और होपिंग कि आगे चल के कभी उनके झगड़े ना हो। इस पे तो ऑडियंसेस विल बी वेरी वेरी हैप्पी और ये सीधा उनको टॉप के पोजीशन पे ले जाएगा। और दूसरा, आज सना का बर्थडे है और सना के बर्थडे पे दोनों अगर सना को ये फॉरगिव कर देते हैं और दोनों एक तरह के एक लेवल पे आके एक फ्रेंडशिप भी इस्टेब्लिश कर लेते हैं, कहेंगे कि हम बाहर आके सोचेंगे इसके बारे में, अगर हमें लगे कि एक दूसरे के हम कंपैटिबल हैं तो आगे कोई दोस्ती बन सकती है, तो वो भी देखने के लिए लोग बेताब है। कहते हैं कि आज रात को ऐसा होगा, दैट इज मंडे के जो शो पे, तो लेट अस होप कि दैट आल्सो हैपेंस। अगर ये दोनों चीजें सिद्धार्थ कर ले तो मैं कहता हूं कि ये भी विनिंग पोजिशन पे है। तो अब दोनों विनिंग पोजिशन पे खड़े हैं, आसिम और सिद्धार्थ एक लेवल पे, अब जो होगा होगा और इस पे कोई दो राय नहीं है कि वोट्स काउंट करेंगे, वोट्स विन करेंगे गेम को, और हाँ कितने लॉज उल्लंघन हुए पूरे शो के अंदर वो भी काउंट किए जाएंगे, उसके बाद विनर डिक्लेयर किया जाएगा। मगर दोनों और जितने मेंबर्स हैं घर के अंदर जो 100 से 110 दिन कवर कर चुके हैं, 116 दिन का, दे आर ऑल विनर्स, सो लेट्स विश देम अ वेरी 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 सक्सेसफुल एंड वेरी ग्रेट जर्नी दैट देव एंड अप्लॉड ऑल ऑफ देम। सो दिस इज सिद्धार्थ एंड आसिम, हाँ दोनों विनर हैं, अब देखिए कौन विनर एक्चुअली गेम को करता है। और हाँ एंड में तो मैं देखना चाहता हूं कि सिद्धार्थ और आसिम दोस्त बन के बाहर निकले, क्योंकि मेरे तो गहरे दोस्त थे, मैं चाहता हूं कि दोनों मिलके हम दोनों तीनों खड़े हो जाएं एक और बार, क्योंकि मेरे पास तो ये आइडिया नहीं था कि ये दोनों इतने एंड तक रहेंगे और विनर्स होंगे और इतनी इनकी पॉपुलैरिटी होगी। मेरी तो एक सिंपल फ्रेंडशिप थी जो इन दोनों के साथ मुझे बड़ा अच्छा लगता था, सिद्धार्थ के साथ बैठना और आसिम के साथ बैठना। इस नोट पे मैं गाना गाता हूं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो दोस्ती नहीं टूटेगी और मैं जरूर कहता हूं कि हमें वो गाना गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोस्त दोस्त आ रहा कि ये दोस्ती कायम होगी फिर।